ये कहानी है एक परफेक्ट वुमन की, एक परफेक्ट वुमन जो अपनी फैमिली का ध्यान रखती है, रोज चर्च जाती है, सोसाइटी में लोगों की हेल्प करती है, एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और रोज खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके काम पे जाती है। साउंड्स परफेक्ट, राइट? केरला के कोहिजाकोडे डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से शहर में रहने वाले लोगों को भी यही लगता था कि जॉली जो है वो एक सीधी साधी रिस्पेक्टेबल औरत है, पर उन्हें क्या पता था कि इस भोली सूरत के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। जॉली एक हसमुख औरत थी, but there was something about her that wherever she went, people started dying. Was it a curse or a well thought of plan? Let's find out. 5 अक्टूबर 2019, जब पुलिस ने आकल जॉली को अरेस्ट किया, तो किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि जो औरत इतने सालों से उनके पड़ोस में रहती है, वो इतनी बड़ी क्रिमिनल थी। उसकी सच्चाई जानकर केरला ही क्या, पूरे देश में दहशत थी। जॉली अम्मा जोसेफ इडुक्की नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक किसान की बेटी थी। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी और पढ़ाई लिखाई में भी एक बिलो एवरेज स्टूडेंट थी। पर जब वो अपने रिलेटिव्स के साथ एक शादी अटेंड करने कोडाकटाई पहुंची, उसकी मुलाकात हुई रॉय थॉमस से और सडनली जॉली को अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिल गया। रॉय एक बड़ा बिजनेसमैन था और एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। जॉली और रॉय एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने शादी कर ली। रॉय का शानदार घर, चमकती हुई गाड़ियां और फैंसी क्लोथ्स, ये सब जॉली के लिए बहुत नया था। उसे इन सबसे बड़ा अटैचमेंट होने लगा। ऑब्वियसली she started craving respect and admiration wherever she went. She told everyone that she was a teacher at a highly prestigious National Institute of Technology, Calicut. वो हर दिन एक नीटली रैप्ड साड़ी पहनती, अपना यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड लेती और अपनी गाड़ी ड्राइव करके घर से निकल जाती। बट वॉट मेक्स अस सो डेंजरस कि एक दिन अचानक सारा देश हिल गया, हर न्यूज चैनल सिर्फ जॉली की बात करने लगा और सडनली जॉली एक फ्रेंडली नेबर से साइनाइड किलर कैसे बन गई। इसकी शुरुआत होती है जॉली और थॉमस की शादी के बाद से। सडनली जॉली के पास सब कुछ था, एक बड़ा घर, एक प्यार करने वाला अमीर हस्बैंड, ढेर सारा ऐशो आराम, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पर बहुत जल्द ये सब एक हाईली एम्बिशियस जॉली के लिए कम पड़ने लगा। अब उसे भूख थी इज्जत की, रिस्पेक्ट की, ओहदे की, जो उस घर में उसकी सास यानी रॉय की मदर अनम्मा को मिलता था। जॉली को ये सब चाहिए था, पर अनम्मा के पास कुछ ऐसा था जो उसके पास नहीं था। धीरे धीरे जॉली को उससे जलन होने लगी। उसकी हंगर फॉर पावर एंड अथॉरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि जॉली कुछ भी कर सकती थी। फर्स्ट विक्टिम 2002 की बात है। रॉय और उसकी शादी को बस 5 साल हुए थे कि अचानक एक दिन अनम्मा की मृत्यु हो गई। अनम्मा की डेथ जिन सर्कमस्टांसेस में हुई थी वो अनएक्सप्लेनेबल थे, पर क्योंकि उनकी हेल्थ पहले से ही खराब रहती थी उम्र की वजह से, इसलिए किसी को कोई शक ही नहीं हुआ। ना उसका पोस्टमार्टम कराया गया और ना ही ये पता चल पाया कि उनकी सडन डेथ का रीजन क्या है। 2008 एक दिन अचानक रॉय के पिता टॉम बीमार पड़ जाते हैं। उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि पड़ोसियों के घर में भी उनकी आवाज पहुंचती है। जॉली अपने नेवर बाबा को फोन करके बड़े ही काम आवाज में बताती है कि उनके ससुर बीमार है। बाबा क्विकली जॉली के घर पहुंच जाते हैं एंड ही फाइंड्स हिम लाइंग ऑन हिज बैक एंड फोमिंग फ्रॉम हिज माउथ, मुंह से झाग निकल रहा था। टॉम को जब तक हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है उनकी मौत हो जाती है। मौत का कारण हार्ट अटैक। 3 साल बाद सन 2011 में उसके पति रॉय की भी मौत हो जाती है। He was too found lying on his bathroom floor और उसके मुंह से भी झाग निकल रहा था। रॉय के अंकल के इंसिस्ट करने पर उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, जिससे पता चलता है कि रॉय थॉमस डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग साइनाइड। पर ये साइनाइड आया कहां से और इस सबसे जॉली का क्या कनेक्शन? दरअसल एक बड़े घर में शादी होने के बाद जॉली के लिए उसका पूरा बैकग्राउंड उसकी शर्मिंदगी का कारण बन गया था। उसका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इतना बढ़ चुका था कि जॉली कैसे भी करके अपने लिए एक नई स्टोरी, एक नई आइडेंटिटी बनाना चाहती थी। एंड शी बिकेम ऑब्सेस्ड एंड अनम्मा हैड पावर एंड अथॉरिटी इन द हाउस और उनके मरने पर अब वो औहदा जॉली का था। किसी को शक भी नहीं हुआ था कि इसमें किसी का हाथ हो सकता है। जॉली का राज राज ही रहा। इस सब से जैसे एक शेरनी के मुंह में खून लग चुका था, उसकी भूख बढ़ चुकी थी। सीधा आते हैं 2008 पर। जॉली का अगला शिकार बना टॉम, जो रॉय का पिता और जॉली के फादर इन लॉ थे। जॉली की ग्रीड अपने चरम सीमा पर थी। उसे वो घर अपने नाम पर चाहिए था जिसमें वो रहती थी, बस दिक्कत ये थी कि ये टॉम के नाम पर था, उसके फादर इन लॉ के नाम पे। जॉली रियली वांटेड दैट हाउस एंड ऑल द प्रॉपर्टी फॉर हरसेल्फ और इसके लिए उसने सारे रास्ते अपना लिए। वो अपने ससुर को हर तरह से खुश करती थी। वो एक बहू की तरह और एक लवर की तरह भी अपने ससुर के साथ रहती थी। 2019 में जब ये केस बाहर आया तो पुलिस को शक हुआ कि जॉली हैड सेक्सुअल रिलेशंस विद हर फादर इन लॉ। बट व्हेन इवन दिस डिडंट वर्क, शी चोज एन इवन डार्कर पाथ। व्हेनेवर जॉनी वाज डिनाइड व्हाट शी वांटेड, उसके रास्ते में जो भी खड़ा होता था ना वो उसे मिटा देती थी। जॉली रियली वांटेड दिस हाउस, पर जब उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई तो एक दिन सडनली टॉम को हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। टॉम के मरने के बाद एक विल मिलती है जिसके अकॉर्डिंग ऑल हिज एसेट्स हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू जॉली। जॉली की डिजायर्स, उसकी हंगर इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका पति उसकी खुशहाल जिंदगी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। रॉय और उसके झगड़े होने लगे। शी वांटेड अ लॉट मोर और अब उसे मारने में मजा आने लगा था। 2011 रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उसकी मौत साइनाइड कंज्यूम करने से हुई थी, पर सस्पिशियसली इस पर आगे कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। साइनाइड कहां से आया, वाज इट अ मर्डर, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट शुड हैव बीन आस्क्ड, वो सब
दबा दिए गए। साइनाइड एक कॉमन केमिकल होता है जो माइनिंग में ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है। इतना कॉमन होता है कि सारे फूड आइटम्स जैसे पालक, बादाम, इनमें भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है। पर अगर कोई डोज बढ़ा दी जाए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। साइनाइड एक ऐसा जहर है जिसे कंज्यूम करने से आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, उलझन मचेगी, प्यूकिश फील होगा। व्हेन साइनाइड एंटर्स अ बॉडी, इट स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स। इससे सेल्स चोक होने लगेंगे और बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी। सेकंड्स के अंदर आपके शरीर के सारे सेल्स मरने लगेंगे और आपकी मौत हो जाएगी। विदाउट अ पोस्टमार्टम दैट कुड इजीली लुक लाइक अ हार्ट अटैक। जॉली ने अपने आस पड़ोस में यही बताया कि उसके पति की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। दूसरों को कंट्रोल करना, जिस चीज पर नजर पड़े उसे अपना बनाने का ऑब्सेशन, इस सब ने जॉली को एक सीरियल मर्डरर बना दिया था, जिसने 14 सालों में एक एक करके बड़ी बेरहमी से 6 लोगों की जान ली और किसी को भनक तक नहीं पड़ी। शक कैसे शुरू हुआ? रॉय की डेथ से उसके भाई रोजो पर बहुत इफेक्ट पड़ा। ही स्टार्टेड सस्पेक्टिंग के कुछ तो गड़बड़ है। रोजो ने छानबीन शुरू की और उसे पता चला कि जॉली डिडंट रियली वर्क एट एनआईटी। वो क्लेम करती थी कि वो एनआईटी में प्रोफेसर है, पर ऐसा कुछ था नहीं। ये बात किसी के लिए भी हजम कर पाना बहुत मुश्किल था। जॉली की इमेज इतनी क्लीन थी कि लोगों को उल्टा रोजो पर सवाल उठाने शुरू कर दी। उसकी नीयत पर शक होने लगा। दे ऑल थॉट कि रोजो थॉमस ये सब कुछ इसलिए रहा है क्योंकि उसे घर और प्रॉपर्टी सब कुछ चाहिए। इसी तरह शराफत का नकाब पहने हुए जॉली चुपचाप एक लग्जूरियस लाइफ जीती रही। उसकी पावर और अथॉरिटी की भूख में कईयों की बलि चढ़ी, जिनमें एक 2 साल की छोटी सी बच्ची भी थी, अल्पाइन, रॉय के कजन की बेटी थी, जो अपेरेंटली एक फंक्शन के दौरान खाना खाते खाते चोक करने लगी थी और उसे जॉली की गोद में ही अपना दम तोड़ दिया था। इसके ठीक 2 साल बाद 2016 में अल्फाइन की मां सिल की भी डेथ हो गई थी। अपनी बेटी अल्फाइन और पत्नी सिल की डेथ के बाद शाजू बिल्कुल अकेला पड़ गया था। और हैरानी की बात यह है कि 2017 में जॉली ने उनसे शादी कर ली। अब तक रोजो का शक काफी बढ़ चुका था। जॉली ने रॉय की डेथ को लेकर जो कहानी बनाई थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, दोनों अलग थे। इसलिए रोजो ने अपनी बहन रंजी थॉमस और नेबर मोहम्मद बाबा के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 14 सालों में एक एक करके 6 लोगों की सडन डेथ हुई थी और इन सब में कॉमन बात ये थी कि वहां पर जॉली मौजूद है। In the beginning of 2019, they complained to the district police, पर वहाँ कोई investigation नहीं की गई। इसके बाद वो ये केस कोइज़ाकोड़े के criminal unit के पास लेकर गए थे, जिन्होंने इसे एक potential crime केस मानकर proper investigation शुरू कर दी। धीरे धीरे पुलिस को जॉली की statements में और evidence में करीब 50 discrepancies मिली। उन्हें पता चला कि जॉली कोई lecturer नहीं है, उसके पास जो यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड है वो नकली है। हाँ, वो कभी कभी यूनिवर्सिटी जरूर जाती थी, पर वहाँ जाके कैंटीन में बैठकर आराम से चाय पीती थी। जॉली, जो इतने सालों से सबकी आंखों में धूल झोंक रही थी, अब उसका असली चेहरा सबके सामने आने वाला था। पुलिस ने जमीन खोदकर सारी बॉडीज को निकाला और उनके रिमेन्स पर टेस्ट करवाए। 2 महीने तक उन सबूतों की जांच हुई। फाइनली द पुलिस हैड एवरीथिंग। उन्होंने जॉली को अरेस्ट कर लिया। जॉली कन्फेस्ड टू मर्डरिंग ऑल 6 फैमिली मेंबर्स यूजिंग साइनाइड। शी वांटेड टू गेन कंट्रोल ओवर द फैमिलीज एसेट्स एंड फाइनली मैरी द मैन शी रियली वांटेड। इन सब में कई सारे लोग जॉली की मदद करते थे। जॉली अकेली नहीं थी। एम एस मैथ्यू नाम का एक ज्वेलरी शॉप मैनेजर था और प्राजी कुमार, एक गोल्डस्मिथ, उसे पोटेशियम साइनाइड अरेंज करके देते थे। इसके अलावा रमन उन्नी, एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जिसने रॉय थॉमस के डेथ के केस को क्लोज करवाया था, जयश्री, जिसने जॉली को फेक विल बनाकर दी, और कई सारे लोग जुड़े हुए थे जो जॉली को इन दिल दहला देने वाली करतूतों में उसकी मदद करते थे। FBI ने अपनी एक रिपोर्ट में सीरियल मर्डरर्स और साइकोपैथ के बारे में डिटेल में लिखा है। इन विच इट सेज, साइकोपैथी इज अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर मैनिफेस्टेड इन पीपल हु यूज अ मिक्सचर ऑफ चार्म, मैनिपुलेशन, इंटिमिडेशन एंड ओकेजनली वायलेंस टू कंट्रोल अदर्स in order to satisfy their own selfish needs. Jolly in sabhi parameters mein fit hoti hai. She is a psycho killer in the truest sense. Usne murder karne ke liye ek aisa tarika apnaya tha jise aasani se pakda nahi ja sakta tha. Cyanide ek bahut hi dangerous poison hai. Nazis इसे गैस चेंबर्स में यूज करते थे ताकि वो जूस को मार सके। जॉली ने इसे अपना हथियार बनाया और इतने सालों तक मर्डर्स को हार्ट अटैक की शक्ल देकर दफना दिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस के क्रिमिनल साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर अमित ठिरके के शब्दों में, वी डोंट कम अक्रॉस वुमेन सीरियल किलर्स टू ऑफन। शायद इसीलिए जो 2019 में जॉली का असली चेहरा सबके सामने आया, लोगों को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। यूजुअली जब भी हम खतरनाक किलर्स के बारे में बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आई एम श्योर आपने सुने होंगे, इसमें सामने मल्टीपल मर्डर करने वाला इंसान मर्द है, मेल, जैसे टेड बंडी, जो 1970s में अमेरिका में लड़कियों को किडनैप करता था, उन्हें रेप करता था और फिर उनका मर्डर करता था, फेंक देता था। या फिर जेफरी डेमर, जिसने 17 मेन एंड बॉयज को सेक्सुअली असॉल्ट करके उनकी बॉडीज के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे चंद्रकांत झा, जिस पर रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। उसने दिल्ली में अराउंड
20 माइग्रेंट्स की बॉडीज के टुकड़े करके उन्हें बास्केट्स में भर दिया था और उन्हें तिहाड़ जेल के सामने डंप कर दिया था। पर ज्यादातर इन केसेस में मर्द इन्वॉल्व होते थे। जॉली जोसेफ का एक ऐसा केस था जिसमें सबको बिलीव ही नहीं हो रहा था, एक भोली सी सूरत के पीछे इतना खतरनाक मुजरिम हो सकता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इट मेक्स यू वंडर हाउ क्रूअल एंड कोल्ड समवन कैन बी टू गो टू दिस एक्सटेंट, जहां लाइफ की इमोशन की कोई वैल्यू ही ना बचे। बट शी वॉज नॉट अलोन। बैंगलोर में साइनाइड मलिका के नाम से एक और फीमेल मर्डरर पकड़ी गई थी, केडी कैंपना, जो एक मंदिर में भक्त बनकर बैठी रहती थी और परेशान औरतों को अपना टारगेट बनाती थी। शी वुड गेन देयर कॉन्फिडेंस बाय लिसनिंग टू देयर इश्यूज एंड स्टोरीज, और उन्हें एडवाइस करती थी कि उन्हें एक स्पेशल पूजा करवानी चाहिए जिससे उनके जीवन में काला साया दूर हो जाएगा। मलिका उन औरतों को दूर के एक मंदिर में बुलाती थी, उन्हें अपनी सारी ज्वेलरी पहनकर आने को कहती। पूजा में उन विक्टिम्स को पीने के लिए एक जल दिया जाता जो कि साइनाइड से भरा हुआ होता था, और विक्टिम की तुरंत मौत हो जाती। उसके बाद वो सारी ज्वेलरी और पैसा लेकर वहां से चली जाती। आफ्टर कमिटिंग सच हीनियस क्राइम्स, इन मॉन्स्टर्स के साथ क्या होता है? इज एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इनफ? जॉली आज कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद है, जहां उसने अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश की, पर उसे टाइमली हॉस्पिटलाइज करके बचा लिया गया। पुलिस के अकॉर्डिंग वो फ्यूचर में और मर्डर्स करने वाली थी। जो लोग 20 साल से उसके बगल में रह रहे थे, जो उसे एक फ्रेंडली टॉकेटिव नेबर मानते थे, उन्हें भी इसकी असलियत का पता नहीं था। वहां की लोकल चर्च के जोसेफ के अकॉर्डिंग, Jolly was not a frequent visitor here, nor did she have anything to do with the activities of the church. Her whole identity was a big fat lie. It makes you wonder, can you really just trust someone? हमारे आस पड़ोस में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम न जाने कितने लोगों से टकराते होंगे वो hiding their true selves and just presenting us with their beautiful masks. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। बिग ब्रेन पर हम इस तरह के धमाकेदार मसालेदार किस्से लेकर आते रहेंगे। See you in the next one.